नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। डीएसडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बीजेपी ने सीएम नीतीश को फंसा दिया है। जी हां, भाजपा की वजह से ही बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने यह खुलासा किया है। सीएम नीतीश ने यह कहा है कि भाजपा की तरफ से अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। पटना हवाई अड्डे के विस्तार को लेकर निरीक्षण करने पहुंचे सीएम नीतीश ने कहा है कि अभी कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई बात नहीं हुई है, भाजपा की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जब भाजपा की तरफ से प्रस्ताव आएगा तो आगे का काम होगा। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि आज कैबिनेट की बैठक है, बैठक में आगे से 5 सालों के कामों को लेकर मंजूरी मिलेगी। आपको बता दें कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सरकार के शपथ ग्रहण के दिन सिर्फ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी। तब से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। आज खुद मुख्यमंत्री कैबिनेट विस्तार नहीं होने की वजह से उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव हुए कुछ महीने बीत चुके हैं। 16 नवंबर को मुख्यमंत्री ने पद की शपथ ली थी। उनके साथ में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि कुछ बहुत मंत्रियों ने ही शपथ ली थी, लेकिन अभी भी कई ऐसे विभाग हैं जो कि रिक्त पड़े हैं। मुख्यमंत्री आज जिस तरह से उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने भाजपा पर यह कहा है कि भाजपा की तरफ से अभी नामों की सूचना जो है वो नहीं मिली है। हालांकि इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक की सरगर्मी तेज हो गई है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज कैबिनेट बैठक के विस्तार के बाद और क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।